दोस्तों, आज 15 अगस्त 2023 हमारी आज़ादी के दिन, वैसी आज़ादी जो अंग्रेज़ों के 200 वर्षों के गुलामी के पश्चात प्राप्त हुई थी। आज का दिन उन महत्वपूर्ण दिवसियों में से एक है जिसके लिए ना जाने भारत के कितने लाल लालियों ने, भारत के वीर सपूतों ने, भारत की बेटियों ने अपनी आन बान शान के लिए घर त्याग कर, अपने परिवार त्याग कर, अपने बाल बच्चों को त्याग कर अंग्रेज़ों की गुलामी के विरुद्ध एक प्रचंड जो जन विरोध किया और भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने योगदान दिया, उनकी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता मेरे दोस्त। तो इन सब चर्चाओं के लिए हम आप उपस्थित नहीं हुए हैं। आज का जो हम लोग का वीडियो शूट हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य आप लोगों को यह बताना है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम के हमारे वीर सपूतों ने, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले, शहीद होने वाले, अपनी वीर गति को प्राप्त करने वाले जिन शहीदों ने भारत, भविष्य की भारत की परिकल्पना की थी, उस भविष्य के भारत की ओर हम कहाँ तक ले जाने में अग्रसर हैं, उनकी सपनों को साकार करने में हम कहाँ तक अग्रसर हैं, इन सब चर्चाओं के लिए आज हम एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, याद रखना जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तिरंगा तिरंगा नहीं बल्कि एक देश की, एक दुनिया की, एक भूभाग की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है। वे उन भावनाओं के साथ है जो एक अपनी गरिमामय पूर्ण जीवन, सभी के साथ भाग्यदारी, सभी को समान अवसर और सभी के साथ मिलजुल कर भारतीत्व की भावना का एक विकास है। यह एक तिरंगा नहीं, एक कपड़े की धागा नहीं और एक निशानी नहीं, एक फोटो नहीं है मेरे दोस्त। यह एक देश की भावनाएं हैं, लोगों की इससे भावनाएं जुड़ी हुई है, लोगों के इसे एकता का भावनाएं जुड़ी हुई है, लोगों की एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना जुड़ी हुई है मेरे दोस्त। ये तिरंगे तिरंगे नहीं हैं जो आपके बीच में दिख रहा है अशोक चक्र, वे अशोक चक्र इस भावनाएं के साथ दिखाती है कि हमारे पास साहस भी है, अदम्य साहस भी है, हमारे पास उन परिकल्पनाओं में जो समय के साथ सदुपयोग कर सकते हैं, उन सदुपयोग करके हम अपने भारत को एक नई मुकाम हासिल करा सकते हैं। इसका चक्र जो हमारे तिरंगे के बीचों बीच में अशोक चक्र दिया गया है मेरे दोस्त। 15 अगस्त जो आप आज खुशियों का दिन देख रहे हैं, उन वीरों को याद करके एक बार स्मरण कर जरूर कर लीजिएगा, उन वीरों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने परिवार, घर, बाप, माए, हित, रिश्तेदार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिए थे, परंतु उन्हें वो सम्मान नहीं मिला है जिन्हें मिलनी चाहिए था मेरे दोस्त। वे सम्मान आप दे सकते हैं, वो सम्मान आप दे सकते हैं। हो सकता है मुझे बहुत 5, 10, 15, 20 ही स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों का याद हो सकता है आपको 100 याद हो, बट जिन 100ों को याद होगा, आप एक बार उन सबों का एक बार आप स्मरण कर लीजिएगा, एक बार आप उनको स्मरण कर लीजिएगा, 2 मिनट 3 मिनट टाइम लगेगा, एक बार आप स्मरण कर लीजिएगा, कुछ जाएगा नहीं। एक दिन आप उन्हें 2 मिनट 3 मिनट याद करेंगे तो शायद उनकी यह परिकल्पना जगेगी कि नहीं, मैंने भारत की स्वतंत्रता में जिन बलिदानों को दिया था, भारत आज वही बलिदान को सम्मान कर रहा है। मैं उनकी सम्मान की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आज भी हमारे देश के अनेक लोग
अपनी देश की रक्षा के लिए बलिदान देने को तैयार है मेरे दोस्त। जो आप घरों में चैन की नींद सोते हैं, भारत में चैन की रहम की सांस लेते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं, वो आज भी हमारे देश के कई वीर सैनिक अपने सीमाओं पर रक्षा करने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आज हमारे उन सेनाओं को पेट भरने के लिए उन्हें किसी प्रकार की संसाधन न हो, भारत की जनता भूखी न सोवे, इसके लिए कि हमारे देश के किसान जमीन पर बैठकर अपनी लहलहाती फसलों को देखकर खुश होता है और उन्हें लगता है कि मैंने भारत की योगदान दी, भारत के विकास के लिए कुछ योगदान दिया है। हमारे सैनिक, हमारे किसान, उन्हें कभी अपमान मत करना मेरे दोस्त। आज जहाँ पर उपस्थित हैं आपकी हो सकती है भागीदारी बहुत कम हो, लेकिन उन सैनिक, उन किसानों की भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जिन पॉलिटिशियन को आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिन बिजनेसमैन को आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उनसे कई ज़्यादा हमारे देश के सैनिक किसान की भागीदारी है। हमारे देश की सैनिक किसान पेट भरने का काम हमारे किसान करते हैं, हमारी भूमि करती है, और हमारे देश की रक्षा करने का काम हमारे सेना के जवान करते हैं। मेरे दोस्त, जिन परिस्थितियों में भारत ने रहते हुए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, उन सभी स्वतंत्रताओं को बरकरार रखने की जिम्मेवारी आपकी है, ये दायित्व हम सब की है। मेरे दोस्त, आप लोगों को दिखाते हैं, आज भी हमारे देश के इन सेनाओं को याद करिए जो आपकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन सेनाओं को याद करिए जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इन वीर सैनिकों को देखिए जो कभी भी अपने आँख से आंसू नहीं निकालते हैं, ये भी अपने परिवार से दूर हैं, बाल बच्चे से दूर हैं, फ़ोन पर बतियाते हैं पर आ नहीं सकते। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता तो कम से कम घर में हैं। तो उन किसानों को भी सम्मान करिएगा, हमारे देश के जय सैनिक, वीर जवान, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं हमारे देश के किसानों का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है मेरे दोस्त। तो आइए आप लोगों के बीच लास्ट में एक सॉन्ग सुनाते हैं, तो आप लोग इस सॉन्ग को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।